कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से आवाज क्यों आती है? नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है उससे आवाज निकलती है, वो आवाज करता है छिन 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 की आवाज करती है, या फिर किसी भी तरह की आवाज निकलती है आपके हार्ड डिस्क से, तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से आवाज क्यों निकलती है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और हमारे कंप्यूटर में लगी हार्ड डिस्क से आवाज निकलना ये हमें किस बात की ओर इशारा करती है, सब चीज में आपको बताने वाला वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली, आपके काम की वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। है। तो देखो यार, जो हार्ड डिस्क से आवाज निकलती है और इसे कैसे ठीक करें, इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जो हार्ड डिस्क है ये काम कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये इस तरीके की जो हार्ड डिस्क होती है, इसके ठीक अंदर एक हमें प्लेट मिलती है, राउंड सी गोल प्लेट मिलती है जो कि एकदम चमकीला होता है, उस प्लेट के ऊपर हमें एक हेड मिलती है, और जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, हमारा हार्ड डिस्क ऑन होता है, तो इसके अंदर जो प्लेट लगी होती है वो काफ़ी तेज़ी से घूमती है। इसलिए आपने देखा होगा जब हम नया का हार्ड डिस्क लेने जाते हैं तो यहाँ पर RPM लिखा होता है, RPM का मतलब होता है राउंड पर मिनट, ठीक है। तो वो काफ़ी तेज़ी से घूमने लगता है, और जब वो प्लेट घूमती है तो उसके ऊपर जो प्लेट लगा होता है वही प्लेट हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डाटा उसे अपने कंप्यूटर पर दिखाता है, शो कराता है। आप समझ गए कि ये काम कैसे करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आवाज़ क्यों करते हैं। देखिए, जब कभी हमारा हार्ड डिस्क गिर जाता है, ये डैमेज हो जाता है, तो यहाँ पर जो प्लेट जो लगी है उसके ऊपर जो हेड लगा है वो नीचे गिर जाता है, या फिर वो एकदम पतली सी होती है, तो वो क्या होता है अचानक से साइड में टच करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ड डिस्क आवाज़ करता है। हमारा हार्ड डिस्क तब तक चालू होता है जब तक ये पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो जाता, और जो हेड लगा है ना वो उस पर लगा ही रहेगा, वो आप कुछ भी कर लो, कितना भी आप इसको पटकोगे तो भी वो हेड बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो हेड बाहर आ सके इतनी इस पर जगह नहीं होती, इस तरीके इसको डिज़ाइन किया जाता है, पैक किया जाता है, ठीक है। तो जो हेड होती है वो जब हार्ड डिस्क के जो प्लेट लगा है इसके ऊपर टच करते रहता है, और जब वो डैमेज हो जाता है तो यहाँ पर आवाज़ आना शुरू हो जाता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जब हमारा हार्ड डिस्क पुराना हो जाता है, लंबे समय 8-10 साल हो जाता है, लंबे समय बीत जाता है, तो भी हमारे हार्ड डिस्क से आवाज़ आती है। अब इसका रीज़न क्या है, कोई भी चीज़ लंबे समय से एक ही जगह पर बस घूमे जा रही है तो ख़राब तो होगी ना यार, जाहिर सी बात है ख़राब होगी, उसका जो हेड है वो तो घिसेगा ना, और घिसने की वजह से क्या होता है, इसकी जो पत्ती लगी होती है उसके अंदर वो एकदम से आवाज़ करना स्टार्ट कर देती है। अब आप बोलेंगे जब वो खराब हो गया आवाज करे तो काम नहीं करना चाहिए, काम क्यों करते हैं, आपको बता दूं इसके अंदर इतनी जगह नहीं होती कि वो जो हेड है वो बाहर आ सके या फिर कहीं और जाकर गिर सके, वो एकदम फिक्स होता है, जो इसका साइज है, जो इसका डिजाइन है वो एकदम फिक्स रहता है, इसी वजह से भले ही आवाज करता है लेकिन हमारा हार्ड डिस्क चालू होता है। एक रीजन और है इसका आवाज आने का कि जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, चलाते रहते हैं, और अचानक से लाइट बंद हो जाती है, या फिर आपके एरिया में लाइट का जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होना, वोल्टेज का कम ज़्यादा होना, ये भी एक रीज़न बन के आती है इसके आवाज़ निकलने का। क्योंकि होता क्या है, इसको जितना वोल्टेज चाहिए अगर नहीं मिल पाएगा तो भी यहाँ पर एक ख़राब होने का डर रहता है, इससे आवाज़ निकलने स्टार्ट हो जाती है, या फिर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो भी यहाँ पर हार्ड डिस्क का ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। मतलब दोनों में प्रॉब्लम है, अगर वोल्टेज कम आ रही है तो भी दिक्कत है, वोल्टेज ज़्यादा आएगी तो भी दिक्कत है। जिस तरीके से नॉर्मल कोई फैन होती है ठीक इसी प्रकार, जिसके अंदर भी एक मोटर लगा रहता है और वही मोटर इसके प्लेट को घुमाता है, ठीक है। तो जब वोल्टेज ज़्यादा होती है तो भी यहाँ पर इसके जो सिस्टम है, इसका जो मैकेनिज्म, वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है और आवाज़ करना शुरू कर देता है। और कंप्यूटर को डायरेक्ट पावर ऑफ करने से क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, उस पर मैंने आपको फुल डिटेल बताया है कि अगर हम अपने कंप्यूटर पर UPS से फिर इन्वर्टर नहीं लगाते हैं और चलाते चलाते अगर लाइट बंद हो जाती है, डायरेक्ट पावर ऑफ हो जाता है, डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो हमारे कंप्यूटर पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी मैंने बता रखा है। और कुछ लोग कहेंगे कि जब हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं तो चालू करते वक्त आवाज़ नहीं आती, कुछ टाइम बाद आवाज़ आना शुरू हो जाती है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। जब हमारा हार्ड डिस्क ठंडा होता है तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता, जब चलते चलते हमारा हार्ड डिस्क गर्म होने स्टार्ट हो जाता है, जब हीट हो जाता है तब यहाँ पर आवाज़ आनी शुरू हो जाती, और सबका खेल वो हेड और प्लेट ही है। और जो आवाज़ वाली प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ, मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ, मेरे साथ खुद भी हो चुका है, क्योंकि मेरा हार्ड डिस्क काफ़ी ज़्यादा पुराना था, समथिंग 10 साल हो गया उस हार्ड डिस्क को, जिसकी वजह से उस हार्ड डिस्क से आवाज़ निकलती, बाकी आज तक वो हार्ड डिस्क चालू है और पता नहीं कि कब तक वो चालू
रहेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके हार्ड डिस्क से आवाज़ आ रही है तो आपका हार्ड डिस्क आपको सीधा से यही इशारा करता है कि आप एक नया हार्ड डिस्क ले लीजिए, अपने डाटा को कहीं और स्टोर कर लीजिए, क्योंकि वो जो हार्ड डिस्क है, जिस हार्ड डिस्क से आवाज़ निकल रही है, वो कब तक चलेगा, कब तक उसकी लाइफ है, कब तक आपका साथ देगा, कोई भी गारंटी नहीं, वो कभी भी बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ सकती है। तो अगर आपके हार्ड डिस्क से आवाज़ निकल रही है तो उसमें जो भी डाटा आप उसे निकाल करके एक नया हार्ड डिस्क में डाल लीजिए। और आज के समय पर एक नया हार्ड डिस्क की उम्र ही 5 साल होती है यार, 5 से 6 साल चल गया बहुत बड़ी बात होती है, बाकी उससे अधिक नहीं चल पाती। मैं जितने भी हार्ड डिस्क आज तक देखा हूँ लंबे समय तक नहीं चल पाती, और अगर चल गई तो आवाज़ आएगी, हैंग करेगा, स्लो काम करेगा, बहुत प्रकार की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। बेटर है कि आप SSD का इस्तेमाल कीजिए। SSD में किसी प्रकार की प्लेट, कोई हेड, कोई सिस्टम नहीं होता, छोटी सी डिवाइस होती है, अच्छी खासी स्पीड भी मिलेगी, स्मूथ भी चलेगा, खराब होने का भी डर नहीं है। आप SSD इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ी सी बस वो महंगी आती है। और हार्ड डिस्क जो मैकेनिज्म है ना, ये प्लेट सिस्टम होता है, इसी वजह से यहाँ पर दिक्कत आती है और इसीलिए यहाँ पर आवाज़ निकलता है। और हाँ, कभी कभी तो साला ऐसा होता है कि हम अपने कंप्यूटर को चालू करते हैं, चालू करने के बाद आवाज़ आना शुरू हो जाती है, लेकिन वो आवाज़ हमारा हार्ड डिस्क से नहीं बल्कि हमारे CPU किसी और पार्ट से आती, मतलब CPU के किसी और पार्ट से आवाज़ निकलती है, लेकिन हमें लगता है कि साला हमारा हार्ड डिस्क से आवाज़ आ रहा है। तो हमको पहले कन्फर्म कर लेनी कि आपके हार्ड डिस्क से आवाज़ आ रही है या फिर CPU के फैन से या फिर कहीं किसी और पार्ट से आवाज़ आ रही है। लेकिन ऐसा होता है कि आवाज़ कहीं और से आ रही है और हमें लगता है कि हार्ड डिस्क से आवाज़ आ रही है, तो आपको कन्फर्म कर लेनी है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, इसे ओपन करके दिखाऊंगा, खोल के दिखाऊंगा, इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा किस तरह की यहाँ पर प्लेट लगी होती है, कौन सा इसके इसमें का हेड होता है, इसमें कौन सा वाला पार्ट खराब होता है, सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि आखिर हार्ड डिस्क से आवाज़ क्यों आती है। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक प्लीज़ जय हिंद।